और आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी और सी की। थी समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट हैं। भाटी साहब, ये प्रतीक जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक अंडरलाइंग एपिडेमिक के जैसा है, विटामिन की कमी, विटामिन्स की कमी हम बोल सकते हैं उसको, और ख़ास करके ये जो दो विटामिन्स हम आज हाईलाइट कर रहे हैं, इसको क्या इसमें कोई पॉलिसी लेवल के इंटरवेंशन की ज़रूरत है? गैप कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें ये समझने वाली बात है कि अगर टेस्ट कराने के लिए कोई पेशेंट आया, उसका हमें पता लगा कि उसका विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है, ऐसे इन जनरल हम लार्ज इसमें स्क्रीनिंग नहीं कर सकते कोई, कि जैसा हम और किसी बीमारी के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, हम अपने टीबी टेस्ट के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, इसमें स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो बिना सिम्टम के वैसे ही हेल्थ पैकेज कराने आते हैं उन लोगों में भी जो है इसकी डेफिशिएंसी दिख जाती है। क्योंकि इसमें एक चैलेंज है कि जब आपका इनसफिशियंसी है, आपकी कमी है मात्रा, तब तक आपको कोई लक्षण ही नहीं आएंगे। जब आप बहुत डेफिशियंट हो गए उस टाइम आपको लक्षण आएंगे, तब आपको शायद जरूरत पड़े, तब लगता है कि अच्छा टेस्ट कराया जाए। तो इस तरह से इसके लिए कोई पब्लिक हेल्थ पॉलिसी तो नहीं बनाई जा सकती निश्चित तौर पे। तब आमतौर पे प्रैक्टिस में क्या होता है कि ज्यादातर आमतौर पे भारतीयों के अंदर देखा ही गया है कि मैक्सिमम जितने हम भी टेस्ट करते हैं हर एक पेशेंट का, मैक्सिमम जैसा बताया कि 90% से भी अबाउ पेशेंट में विटामिन D3 एंड B12 डेफिशिएंसी होगी, उनको दिया जाता है सप्लीमेंटेशन। एंड इसमें एक चीज है देखने की, देखिए जैसा अभी बताया, हम डिस्कस भी कर रहे थे हमारे एक पैनलिस्ट ने, कि कई बार हम रूट कॉज को एनालाइज नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये देखना जरूरी है कि काफी सारे लोग ये सप्लीमेंटेशन ले भी रहे होते हैं पर फिर भी उनका डेफिशिएंट होता है। तो इसमें ओवरऑल हमें इसमें एक बार ओवरऑल देखना पड़ेगा कि जैसे अगर आपके डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर डेफिशिएंसी हमेशा मिलती है। कुछ हमारी इस तरह की अंडरलाइंग डिजीज होती है, जैसे सीलिएक डिजीज हो गई, क्रॉन्स डिजीज हो गई, इनके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इनके अंदर डेफिशिएंसी मिलती है। फिर जिस तरह से अभी वीगन डाइट का प्रचलन है, इन लोगों के अंदर डेफिशिएंसी मिल जाती है। फिर अगर हम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स की बात करें तो वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। एडोलसेंट में हमारी इसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। कीमोथेरेपी वाले पेशेंट है, उनके लिए उनका विटामिन B12 डेफिशिएंसी रहती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए कोई एक इस तरह की एक SOP नहीं बनाई जा सकती। हाँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाली चीज है कि इस समय जो है हमें देखते हुए करंट सिचुएशन को इन हमारे जो विटामिन है इनको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, लाइट में नहीं लेना चाहिए। और इसको भी अगर हमें लग रहा है ऐसी डेफिशिएंसी तो इसको जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाटी साहब ये बताइए कि ये जो जनरल हेल्थ चेकअप्स होते हैं, जो कई टेस्ट होते हैं, पैकेजेस फ्लैश होते हैं, अब तो हमारे मोबाइल पे भी आते हैं कि आप ये टेस्ट करवा लें, क्या उनमें इन दोनों विटामिन का टेस्ट शामिल होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो जनरल रूटीन हेल्थ चेकअप हो रहे हैं उन सबके अंदर विटामिन डी और B12 किया जाता है। और अगर नहीं है उसके अंदर तो उसके लिए ये जरूर रिक्वेस्ट कर लें, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है और एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, पर इसमें ये जरूर जान लें कि टेस्ट का सैंपल कब देना है, कैसे देना है। कई बार आप सप्लीमेंटेशन पे हैं फिर आप सैंपल दे रहे हैं तो रीडिंग में वेरी हो सकता है। तो इस चीज के लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें टेस्ट कराने से पहले, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप एक बार ब्लड सैंपल दे रहे हैं तो उसमें और भी काफी सारे टेस्ट किए जा सकते हैं, पर आजकल ये रूटीन में किया जाता है। आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।